Guys, show all the love to the Dhadak team. Hashtag do your zingar. Lagaiye, apna version upload kijiye. Tag both of them. And they will give their love. Thank you so much. Thank you so much, Janvi. Ishan, can you please come for a quick solo? Left, right, down, rotate, Ishan, revolution, Ishan. Thank you so much, guys. Thanks a lot for coming to Mirchi 98.3. Thank you, Ishan. Thank you, Janvi. Thank you, Chacha. सर आप ये माइक रखिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो हमने देखा ट्रेलर आया है धड़क का, जो टाइटल सॉन्ग आया है वो बहुत ही पसंद आया लोगों को। एंड अब जो है जिंदा, इसमें कितनी उम्मीद है आप लोगों की जिंदा जी? उम्मीदें बहुत हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिल रहा है जिंगार्ड फिर से रिक्रिएट करने का, उसे परफॉर्म करने का। जब हमने ये पिक्चर बनाने के लिए डिसाइड किया था, हमने तभी डिसाइड किया था कि ये गाना हमारी फिल्म का एक पार्ट होने वाला है। और इतने अमेजिंग टेक्नीशियंस, अजय अतुल ने म्यूज़िक ही दिया है फिर से, अमिताभ भट्टाचार्य ने हिंदी लिरिक्स लिखे हैं, फारा खान जिनके साथ मेरी बचपन से तमन्ना थी काम करने की, उन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, द हुक स्टेप स्पेशली जो बहुत अच्छा है, और ये दोनों बच्चों ने बहुत जी जान से उसे परफॉर्म किया है। तो उम्मीदें बहुत हैं, पर उससे ज़्यादा बहुत खुशी है कि आज पूरी दुनिया ने ये गाना देख लिया। हम बहुत महीनों से छुपा के रख रहे थे, दबा के रख रहे थे अपने अंदर, नाउ इट्स आउट। और या वी वेरी एक्साइटेड। ईशान जी बहुत खुशी है इस मौके पे। हमारे फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम हिस्सा तो है ये गाना, लेकिन अपने आप में ही इस पे परफॉर्म करने का मौका मिलना
बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस गाने का, और ख़ास करके जो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिरिक्स के साथ किया है उसका मज़ा हमने पूरी तरह से उठाया, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंसेस भी ऐसे ही मज़ा लेंगी। जी आप लोग ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, धड़क गाने को इतना प्यार दिया है, तो यही उम्मीद है कि झिंगाट को भी वैसे ही प्यार मिलेगा। मैंने देखा जो झिंगाट जो गाना है उसमें बहुत ही एनर्जी दिखाई है आप लोगों ने, तो ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप लोग? अगर मैं बहुत खाना खाती वहाँ से आती है एनर्जी। ये आमतौर पे अपनी बैक पॉकेट में अपने जेब में रखते हैं शशांक सर, उनसे ले ली मैंने। ये जो 20 साल के बच्चे होते हैं ना, ये एनर्जी है। अभी मैंने ये दो स्टेप करने की कोशिश की, मेरी सांसें फूलने लगी, तो ये 35 के बाद अलग होता है इस गाने का इफेक्ट, और 20 साल की उम्र में अलग होता है, तो आई थिंक ये एनर्जी ये बच्चे लेके आते हैं जो 20 साल के होते हैं। ईशान एंड जानवी, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, आज ही रिलीज हुआ है गाना। वेल, इस गाने को शूट करने के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज आप दोनों के लिए क्या थी? और एक और सवाल है मेरा, जस्ट टू कंटिन्यू, कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही इतना सारा प्यार मिल रहा है दोनों को, हाउ डू यू गाइस हैंडल, स्टार बन गए हो रिलीज के पहले ही? ऐसा तो नहीं कहूँगा मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को प्रोमोज में जो भी देखने को मिला है वो पसंद कर रहे हैं, और सपोर्ट मिलता है लोगों का, तो उम्मीदें बढ़ती हैं कि लोग जाएंगे फिल्म देखेंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि जब फिल्म देखेंगे तो लोगों को ये एहसास होगा कि ये एक सिंसियर अडेप्टेशन है, अपने आप में एक फिल्म है, और पूरी ईमानदारी के साथ बनाई गई है, खून पसीना आंसू बहाए हमने इस फिल्म को बनाने में, और बहुत प्यार से बनाई है, ये मैं दावा दे सकता हूँ। और झिंगाट के सिलसिले में जो सवाल आपने पूछा है, कुछ ख़ास मुश्किल तो था नहीं, फिज़िकली थोड़ा टफ इसलिए था क्योंकि मुझे गर्दन में मोच आई हुई थी जिस दिन हम ये गाना शूट कर रहे थे, हमने असल में दो दिन में शूट किया है गाना, और दूसरे दिन हमने एक सीन भी शुरू कर दिया था उसके बाद, तो काफ़ी जल्दी शूट किया था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था ओवरऑल। मुश्किल तो हाँ एक्चुअली मैंने ना, क्योंकि शूटिंग से पहले मैंने झिंगाट ये गाने को बहुत बार सुनी थी, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इतने मज़ेदार लिरिक्स लिखे हैं, तो मतलब वो लिरिक्स मेरे जहन में बैठ गए थे, एंड एक्चुअली दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम मधु के नज़रिए से है पार्थिवी के लिए, और मुझे बस रिएक्शन देना था, लेकिन हर बार जब भी फरा मैम कैमरा मुझ पर डालती थी रिएक्शन के लिए, मैं लिपसिंग कर ही रहती थी मधु के लाइंस के लिए, तो फिर यू नो शी ऑलवेज स्टॉप मी, लाइक व्हाई आर यू सिंगिंग, हु आर यू सिंग, मैं पूरे पलटन के साथ लेके भारत लाइक फॉर हु, सो या दैट वाज अ स्टार। मैम का बहुत एक खास अंदाज होता है, जानवी स्टॉप सिंगिंग, इट इज नॉट, इट्स अ मेल वॉइस, इट डजंट सूट यू, तो और प्लीज इनको स्टार मत बोलिए, दोनों प्यारे बच्चे हैं अभी, आई होप ये बहुत बड़े स्टार बने, पर अपने दिमाग में कभी अपने आप को स्टार ना समझे। जब हमने फिल्म शुरू की थी, हम तीनों की जब पहली मीटिंग हुई थी, मैं बोला कभी स्टार मत बनना, आप पॉपुलर बनना, बहुत मेहनत से काम करना, अपने दिमाग में नहीं। तो जिस दिन, लकीली अब मैं उनके फादर जैसा बन गया हूँ 35 की उम्र में, तो जब हाँ बिल्कुल आई फील लाइक अ फादर फिगर, तो अगर कभी दे बिहेव दिस वे, आई थिंक आई एम गोना जस्ट गो एंड गिव देम वन बैक, नेवर एवर। जी एक्चुअली हमने सिर्फ एक या दो दिन, एक दिन प्रैक्टिस की थी, और वो सिर्फ हुक स्टेप किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ओनली, आई थिंक फरा मैम सेड के हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ईशान को बस खुला छोड़ दिया था मस्ती कर रहा था, और जी ऑफ कोर्स हमने सैराट मूवी देखी है। जी हाँ देखी है, सैराट देखी है, दो बार देखी थी फिल्म शुरू करने से पहले, और बहुत 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 ही खूबसूरत फिल्म है सैराट, मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, और जैसे कि इन्होंने कहा, फारा मैम और शशांक सर का जो आइडिया था वो ये था कि ज़्यादा हम कोरियोग्राफ नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक हुक स्टेप डिफाइन करेंगे, और उसके अलावा इसे बिल्कुल ही नेचुरल छोड़ देना है, जैसे जिसको जो मन हो, जैसे ये गाना बजता है कि हर इंसान का अपना खुद का रिएक्शन होता है, तो वो वही कैप्चर करना चाह रहे थे। हाय ईशान एंड जानवी, हेलो सर, हाय रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज, ये जो गाना है एक कल्ट सॉन्ग है, शशांक एक कल्ट सॉन्ग है, इंडिया में ही नहीं
के रीजनल सॉन्ग रहा हो लेकिन पूरी इंडिया में पॉपुलर है और एनआरआई डायस्पोरा में भी काफी पॉपुलर है। मैं हाल ही में बैंकॉक गया था तो वहाँ भी नाइट क्लब में बज रहा था ये गाना। तो मैं ये कहना चाहूंगा जब आप लोग इस गाने की शूटिंग कर रहे थे तो क्या आप लोग आप लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं प्रेशर था कि इससे बेटर करना है, कंपैरिजन होगा और लोग क्या कहेंगे जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो कुछ बताएं इस बारे में जानवी निशा। नहीं, हमने ऐसे कोई प्रेशर नहीं लिया था, हम कर रहे थे। ऑफ कोर्स वी वांटेड टू मेक अ गुड सॉन्ग एंड यू नो समथिंग दैट्स ट्रू टू आवर फिल्म, लेकिन कोई प्रेशर नहीं लिया था। हम बस अपना कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, शशांक को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, फरा मैम की बात सुन रहे थे। ईशान सर, इस गाने का एक यूनिवर्सल अपील है, जैसे कि आपने कहा बैंकॉक में भी नाइट क्लब में गाना बज रहा था, तो मेरे ख्याल से सब सब तरह के लोग, सब कौम, सारे कौम के लोग इस गाने का मज़ा उठाते हैं। तो कोशिश यही थी कि इस फिल्म में, इस मोमेंट में, उस सीन में जो किरदार के थॉट्स थे, मोटिवेशन थे, वो यही थे कि वो बहक जाते हैं मस्ती में। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम उस मोमेंट में सिंसियर रहें और हम मजबूरन ही मज़ा लेने लगे क्योंकि इतना कमाल का गाना है, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। शशांक, झिंगाट जो शब्द है ये एक मराठी शब्द है, लोकल एक शब्द है, अगर महाराष्ट्र के लिहाज से कहा जाए, मराठी फिल्म बनी थी, लेकिन आप लोगों ने राजस्थान में ये फिल्म सेट की है, मेवाड़ में। नॉर्थ इंडियन लोग इसके बारे में नहीं जानते, रेस्ट ऑफ इंडिया झिंगाट शब्द का मतलब नहीं जानते, तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से आपको क्या लगा जब आप ये गाना, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे गाने में? जी, दरअसल झिंगाट जो शब्द है ना, ये मराठी लैंग्वेज में भी बहुत यूज शब्द नहीं है। इनफैक्ट जब मैं अजय अतुल और अमिताभ भट्टाचार्य के साथ बैठा था इसके क्रिएशन पे, तब हमें पता चला ये शब्द एक ही बार यूज़ हुआ है 400 साल पहले किसी एक वेदा में, जहाँ पर झिंगाट शब्द का यूज़ हुआ था मराठी में, तो वो पॉपुलर लिटरेचर में कभी वो शब्द यूज़ नहीं हुआ है उसके बाद, और उस शब्द का कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, उस शब्द का मस्त है मस्ती। झिंगाट मतलब बेधड़क बिंदास होके डांस करना, और क्योंकि ये एक्चुअली उन्होंने पॉपुलर कर दिया था, इतना डिफाइंड शब्द नहीं है जो कलोकियल या एवरीडे यूज में ना महाराष्ट्र में यूज होता है, और मुझे लगता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे टन टन आतन टन टन टारा, इसका कोई मतलब नहीं होता है पर सब इंजॉय करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है झिंगाट जब बजेगा और जिस हिसाब से हमने यूज किया है, नाचे झिंग 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 झिंगाट, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है पागलपन से डांस करो, ज़्यादा सोचो मत, और आई थिंक शब्दों में क्यों खोना, आई थिंक जब पिक्चर लिखेंगे लोग वो जज्बात समझ जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ऑलरेडी जो हमारा गाना 2-3 घंटे पहले लाइव हुआ है, ऑलरेडी लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं और जिनको सब समझ जाएंगे सर। बस एक छोटा सा सवाल जानवी, वी गॉट लास्ट टू क्वेश्चंस जानवी, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, आई एम सो सॉरी, कैन वी गिव अ चांस टू समबडी एल्स? सॉरी July 20 को आके प्लीज धड़क देखिएगा। हाय ईशान एंड जानवी, प्रेरणा हियर फ्रॉम टीवी 9। सैराट की टीम से मुलाकात हुई है, स्टारकास्ट से मुलाकात हुई है आपकी, क्योंकि अभी कंपैरिजन बहुत हो रहा है, ट्रेलर के बाद भी हुआ, अभी ये जो झिंगाट सॉन्ग है उसके बाद भी कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंपैरिजन को किस तरह से देखते हैं? कंपैरिजन तो जाहिर है होगा ही, ये ऑफिशियल अडैप्टेशन है उस फिल्म का, तो वो बात मैं समझ सकता हूँ, और मेरे नज़रिए से दोनों बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, रिंकू राजगुरु और आकाश सोसर दोनों, उनसे हमारी मुलाकात अब तक हुई नहीं है लेकिन उम्मीद है उनसे मिलने का मौका मिलेगा। पहले लास्ट क्वेश्चन जानवी, वैसे हम फिल्में तो देख ही रहे हैं, ईशान बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, गाने में इतनी ज़्यादा मस्ती कर, सेट पे कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से सीनियोरिटी दिखा रहे थे? आई एम वन फिल्म ओल्ड। नहीं, सीनियोरिटी तो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मस्ती फिल्म में जो आप मस्ती देख रहे हैं ना, वो कई ज़्यादा हकीकत में करते हैं। काफ़ी अलग है, मुझे लगता है कि उसने अपने किरदार से काफ़ी प्रेरणा ली है, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर्टिव और बुली टाइप की हो गई फिल्म के बाद, लेकिन काफ़ी अलग है। हमने असल में, हमारे बीच में एक कॉन्वर्जेशन चलता था फिल्म के शूटिंग के दौरान, कि
हम जिस तरह के किरदार निभा रहे हैं दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिक ऑपोजिट हैं, तो मैं पार्थवी जैसा ज़्यादा हूँ जिंदगी में और वो मधु जैसी ज़्यादा हैं पर्सनैलिटी में। एक छोटा सा सवाल, जब ट्रेलर लॉन्च जब हुआ था तो आप काफ़ी नर्वस थी, ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्या 15 दिनों में आपने मीडिया को फेस करना और मीडिया प्रेशर हैंडल करना सीख लिया है, कहाँ तक पहुँची हैं आप अगर उस इस हिसाब से पूछे तो? पता नहीं जी, आप बताए कहाँ तक पहुँची हूँ मैं। सर कहाँ ट्रेलर लॉन्च है, तो बचपन से मीडिया को फेस कर रही है, जब से मीडिया तो उसके पीछे बचपन से घूम रही तब से फेस करना आता है इसे। I accidentally dropped some water. I think I was getting too excited. And also because this is the end of this little press con. Thank you so much, media professionals, for coming to Radio Mirchi and spending some time along with Ishan, Janvi and Shashank. Also, she's got some message. What shoes are they? Zingard shoes. And these guys are supposed to. So if in case you could just come out, pose, do a photo op. Yeah. Okay. Hello. Of course, that's Ishan. Can we please have a huge shout out for this man who dances like a dream? And trust me, you're such a heartthrob. That's so amazing. Thank you so much for coming to the Mirchi Studios. We're really, really, really happy. Can we please also call upon the beautiful, beautiful lady, Puppy? मतलब कुत्ते का बच्चा। Can we please call upon Janvi? Can we please, 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 please have a huge round of applause for Janvi as well? Thank you guys. Where are the claps and the hoots? Both of you know that this song is going to make people crazy at weddings, at Janmashtami, during Ganesh Utsav, Navratri. Are you ready for so much love? I'm always ready for love. That's nice. How about you, Ishan? Let's hope so. It's a wonderful song. I loved it already. And I think with that, it's a great song.